जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 10 भोजन बनाना, पाठ संख्या 10 भोजन बनाना का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। हम लोग खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं कच्ची खाई जाती हैं, जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि, है ना। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। कैसी खाई जाती हैं? कच्ची खाई जाती हैं, जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि। केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि, ये सब चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं पकाकर खाई जाती हैं। अब कुछ चीज़ें तो कच्ची खाई जाती हैं और कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं। पकाकर कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं? जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। फलों और सब्जियों को खाने वे पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। फलों और सब्जियों को खाने वे पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। ठीक है ना। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। ठीक है। फलों और सब्जियों को खाने फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना पकाने से भोजन रुचिकर खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पचनीय योग्य हो जाता है। खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पचने योग्य हो जाता है। ठीक है। वापस देखो पाठ संख्या 10 भोजन बनाना। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। हम खाने में बहुत प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं, जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि। केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि, ये चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो पकाकर खाई जाती हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। कुछ चीज़ें जो हैं पकाकर खाई जाती हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। ठीक है ना। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं और कुछ चीज़ें पक्की पकाकर खाई जाती हैं। ऐसे हम खाने में बहुत चीज़ें खाते हैं। केला, गाजर, ककड़ी, मूली, ये तो खाई जाती है कच्ची। रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि, ये पकाकर खाए जाते हैं। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए, है ना। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना पकाने से भोजन रुचिकर। अब खाने को पकाने से जो है भोजन कैसा हो जाता है? रुचिकर, मुलायम,
स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त व पचने योग्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।